देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इसी बीच एक खतरनाक बीमारी ने दी दस्तक। देश में पहले कोरोना, फिर म्यूकोरमाइसिस ग्रेग्रियन और उसके बाद अब गुजरात में एक गंभीर बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। यह गंभीर बीमारी एस्पर्जिलस है और एस्पर्जिलस इसमें चिंता की बात यह है कि जो मरीज कोरोना से रिकवर हुए, ऐसे मरीज जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं, उन मरीजों पर एस्पर्जिलस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। यह बीमारी मरीजों के शरीर में फेफड़ों को खराब करती है और इस बीमारी का नाम एस्पर्जिलस जो वाइट फंगस का ही रूप होता है। वाइट फंगस के दो रूप होते हैं जिसमें कैंडिडा और एस्पर्जिलस। कैंडिडा एक खतरनाक होता है, इसमें स्किन में इन्फेक्शन, मुंह में छाले, छाती में संक्रमण और अल्सर जैसी भी समस्या होती हैं, जबकि एस्पर्जिलस जो वर्तमान में देश में फैल रही है उसका संक्रमण फेफड़े, श्वास नली और कॉर्निया पर असर डालती है। इससे अंधेपन का खतरा ज़्यादा रहता है। एस्पर्जिलस के लक्षण, इस बीमारी के लक्षण निमोनिया जैसे होते हैं। इनमें बुखार आना, जुकाम होना, कफ जमना और कफ के साथ खून आना भी शामिल है। एस्पर्जिलस मरीजों में प्रतिरोध क्षमता को तेजी से कम कर रही है। ऐसे कोरोना मरीजों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों के आंकड़े, पिछले 24 घंटों में लिए गए सैंपल 20,60,000 के करीब और उन सैंपलों में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 152,734 के करीब है और पिछले 24 घंटे में कोविड से हुई मौतें 3,128 और अब तक देश में कुल कोविड के मामले 2,80,47,000 के करीब और देश में अब कुल एक्टिव केस बचे 20,26,000 के करीब। पिछले 24 घंटों में हुई रिकवरी 2,38,022 और देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 21,31,54,000 के करीब।